व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोगों ने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ लिया रिटायरमेंट में, गेनिंग रेशो, न्यू रेशो पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, वो कैसे करना है, क्या क्या एंट्रीज करते हैं, क्या सिचुएशन चलता है, वो सब चीज़ें आज डिस्कस करते हैं और रिटायरमेंट को वो सब एंडिंग की तरफ लेके चलते हैं। उसके बाद मैं आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आ सकते हैं वो कराऊंगा, देन डेथ, देन डिसोल्यूशन, पार्टनरशिप खत्म, फिर आपका बस कैश फ्लो बचेगा। एनपीओ मैंने ऑल दो पहले भी कराया हुआ है, अगर आपको देखना है आप देख सकते हो, बट दोबारा भी मैं करा दूंगा। तो एनपीओ, कैश फ्लो और डिबेंचर्स, ये तीन चैप्टर्स हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी कवर करने की और आपका अकाउंटेंसी का सिलेबस खत्म। चिंता मत करना, इको बीएसटी भी आ रहा है, टेंशन मत लो, इको बीएसटी भी आ रहा है, उसकी मैं वन शॉट वीडियोज डालूंगा पूरी पूरी चैप्टर्स की, सो दैट बस वीडियो देखा चैप्टर खत्म। छह चैप्टर है ना बीएसटी में, छह क्लासेस में आपका बीएसटी कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर लेट्स बिगिन। चलो जी जल्दी से फटाफट से हेडिंग डालो। क्या हेडिंग डाले सर? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। हेडिंग डाल देंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। क्या होते हैं सर ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस और रिजर्व्स? आपको सबको पहले से पता है कि फर्म ने कुछ पैसा सेव करा होता है फ्यूचर अनसर्टेनिटीज के लिए, पैसा जोड़ा होता है कि भविष्य में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो हम उसमें से पैसा यूटिलाइज कर लेंगे। अभी पार्टनर रिटायर हो रहा है तो फिर रिजर्व्स का क्या करा जाए? तो देखो जी, बहुत बेसिक सा है इसका सॉल्यूशन। तीन पार्टनर्स अज्यूम कर लो फिर से एज ऑलवेज, ए बी सी, रेशो ले लो फिर से बराबर बराबर, 1:1:1, ठीक है। इन तीनों ने मिलकर कुछ रिजर्व्स बनाए थे, ठीक है। सपोज कुछ रिजर्व्स इन्होंने बना दिए, पैसा जोड़ दिया 60,000 रुपीज़, 60,000 रुपीज़ का इन्होंने जनरल रिजर्व बना दिया। अब सी ने बोला कि मैं तो हो जाऊंगा जी रिटायर, सी ने बोला मैं तो रिटायर हो रहा हूं, तो मुझे मेरा रिजर्व का पैसा दे दो, रिजर्व तो मैंने भी बनाया है मिलके, तो जब मैं जा रहा हूं तो मैं रिजर्व भी डिजर्व करता हूं या नहीं करता हूं? आई डिजर्व दिस, मुझे मेरा पैसा दे दो आप। तो बहुत बेसिक सी चीज होती है कि कभी भी कोई भी पार्टनर रिटायर हो रहा हो तो जितने भी आपके पास पुराने रिजर्व्स हैं, अगर कोई पुराना रुका हुआ प्रॉफिट है, दैट इज P&L का बैलेंस है, कोई पुराना लॉस है या कुछ भी इस तरीके की चीज है जो पार्टनर्स ने आपस में मिलजुल के बनाई है, उसको आपको सिंपली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो क्या ट्रीटमेंट होता है रिजर्व्स का? बहुत सिंपल है, क्या लिखना है इसका ट्रीटमेंट? डिस्ट्रीब्यूट ऑल द रिजर्व्स, सभी रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, सभी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, सभी एक्यूमुलेटेड लॉसेस, किसमें बांटने हैं? अमंग ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स मतलब देखो पुराने पार्टनर्स ए बी सी हैं, अब नए तो सी चला जाएगा तो ए और बी रह जाएंगे। अमंग्स ओल्ड पार्टनर्स इन किस रेशो में? ओल्ड रेशो, उनका जो भी पुराना रेशो है उसमें। देखो यार, उन्होंने अपनी रेशो में बनाया होगा, नए रेशो से कोई मतलब ही नहीं है। तो एक बेसिक सा ट्रीटमेंट होता है कि जितने भी रिजर्व्स हैं, जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हैं, पुराने वाले पुराने रेशो में बांट दो। अब सर रिजर्व्स वगैरह होते कहाँ पे हैं, उसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बार बैलेंस शीट को समझो, फिर मैं तुम लोग को चीज़ें समझा पाऊंगा। ये चीज़ समझने की कोशिश करना कि बैलेंस शीट में क्या होता है। देखो बैलेंस शीट में आपके पास इस साइड लाइबिलिटीज लिखी होती हैं और इधर एसेट्स लिखे होते हैं, ये तो आप सब अवेयर हो इस चीज़ के, इतना तो मैं मान सकता हूँ कि आपको पता होगा, इधर लाइबिलिटीज इधर एसेट्स, ठीक है। अब लाइबिलिटीज में बहुत सारे रिजर्व्स लिखे होते हैं, यहाँ पे सारे रिजर्व्स होते हैं, जैसे सपोज जनरल रिजर्व, ठीक है, फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कॉन्टिंजेंसी रिजर्व, या ऐसा कोई भी रिजर्व हो सकता है, सारे के सारे रिजर्व्स इधर होते हैं, ओके। उसके साथ साथ हो सकता है कि आपके पास यहाँ पे P&L का बैलेंस भी हो, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे आपके पास P&L अकाउंट भी लिखा हो, दिस इज P&L का बैलेंस, ओके। ये P&L का कौन सा बैलेंस होता है? ये प्रॉफिट होता है और ये क्रेडिट बैलेंस होता है, यानी कि हमारा पिछले सालों का कुछ प्रॉफिट है जो इधर पड़ा हुआ है, ओके। एसेट्स में क्या आ सकता है आपके पास? एसेट्स में कुछ ऐसी चीजें आ सकती हैं
जिनकी कोई वैल्यूएशन नहीं होगी बट वो एसेट्स में लिखी हुई हैं बस, जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, इसका कभी वैल्यूएशन होता ही नहीं है। मतलब एसेट में जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे लैंड हो, चाहे बिल्डिंग हो, आप उसको बेच के पैसा रिकवर कर सकते हो। इनका कोई पैसा रिकवर नहीं होता, बट ड्यू टू अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हम इन्हें इधर दिखा रहे हैं। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो गया, या फिर इधर पी एंड एल का फिर से आपको बैलेंस दिख सकता है, यहाँ पे हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फिर लिखा हो। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी हमारे लिए लॉसेज होती हैं। और ये पी एंड एल के कौन से साइड, पी एंड एल का कौन सा बैलेंस होता है, ये डेबिट बैलेंस होता है, ये पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस होता है। अब आप सबसे पहले तो इनका नेचर समझो। सर अगर ये लॉस है तो फिर ये एसेट में क्यों लिखा है, और अगर ये प्रॉफिट है तो फिर ये लाइबिलिटी में क्यों लिखा है? आधे बच्चों को तो यही क्लियर नहीं होता। मेरा काम है तुम्हारे बेसिक्स क्लियर करना, क्योंकि कॉन्सेप्ट हो गया ना फिर कुछ भी पूछ ले तुम्हें पता होगा। देखो आपको बहुत अच्छे से पता है कि बिजनेस एक अलग एंटिटी है और पार्टनर्स एक अलग एंटिटी है। पार्टनर्स की अपनी अलग पहचान है, ऑनर्स की अपनी एक बिजनेस की अपनी एक अलग पहचान है। जब भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, लीगली नहीं होता, बट जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम अकाउंटिंग फर्म के लिए करते हैं, पार्टनर्स को हम अलग मानते हैं। तो फर्म को अगर कोई भी फायदा होगा, फर्म ने वो पैसा किसका देना है, पार्टनर का देना है। पार्टनर का अगर पैसा देना है तो फर्म की लायबिलिटी हुई या नहीं हुई, सोचो। पिछले साल या उससे पिछले साल कुछ प्रॉफिट हुए थे, फर्म ने नहीं बांटे, फर्म को देने हैं अभी पार्टनर्स को, तो लायबिलिटी हुई या नहीं हुई। इसीलिए लायबिलिटी में जो पी एंड एल होता है वो क्या होता है, हमारे पास प्रॉफिट होता है। फर्म बोलती है कि मुझे ये पैसा किसका देना है, पार्टनर का देना है, हम अभी देंगे। सिमिलरली कोई भी पैसा पार्टनर ने जोड़ के रखा हुआ है, चाहे वो जनरल रिजर्व हो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, कॉन्टिजेंसी रिजर्व हो, कोई भी रिजर्व हो, वो भी तो फर्म को पार्टनर्स को ही देना है, पार्टनर का पैसा है ना, लायबिलिटी में जाएगा। और अगर कोई लॉस हो जाए, किसी भी केस में कोई भी लॉस हो जाए, तो फर्म बोलेगी हम पैसा किससे लेंगे, पार्टनर से लेंगे। पार्टनर से लेंगे तो पैसा मिलना है फर्म को, पैसा मिलना है तो फर्म का एसेट हुआ या नहीं हुआ। इसीलिए लॉसेस को फर्म कहां दिखा रही होती है, एसेट साइड में। ये डेबिट बैलेंस होता है पी एंड एल का, याद रखेंगे पी एंड एल का डेबिट बैलेंस लॉस होता है। फर्म की एसेट में क्यों है, क्योंकि फर्म ने पैसा पार्टनर से लेना है। क्रेडिट बैलेंस क्या है, हमारे पास एक फर्म के लिए लाइबिलिटी है क्योंकि वो प्रॉफिट है जो पार्टनर्स को बांटना है। ओके अब एंट्रीज एकदम से समझ में आ जाएंगी। ये जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो रिजर्व हो, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो, ये पार्टनर्स को मिलना है ना। अगर पार्टनर्स को मिलना है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। जब भी पार्टनर को पैसा मिलता है कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। ये पार्टनर से लेने हैं तो कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, तो बेसिक एंट्री क्या बनेगी, जल्दी से एंट्री लिखो। फॉर रिजर्व्स एंड पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट, ये जो इधर दिया हुआ है, क्या एंट्री बनेगी, पार्टनर को मिलेगा, पार्टनर क्रेडिट होगा। तो रिजर्व डेबिट, कोई भी रिजर्व हो सकता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया तो वो भी डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया वो भी डेबिट, कुछ भी हो। प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, ये भी डेबिट। ये सब लाइबिलिटीज में होता है। किसको मिलेगा ये, टू ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, ओल्ड पार्टनर सपोज तीन है तो टू ए टू बी टू सी, तीनों को बांट दो। ओल्ड पार्टनर्स में किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ये हमारा इसका बेसिक होता है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट दो। और अगर लॉसेस हुए जो एसेट्स में दिए होते हैं, अगर लॉसेस हुए तो उसकी क्या एंट्री करनी है सर, उसके लिए आपको बहुत बेसिक सा फंडामेंटल है कि पार्टनर से पैसा लिया जाएगा तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। तो ए डेबिट, बी डेबिट, पूरा लिखना है यहाँ पे, ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू क्या क्या, अगर कोई भी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कुछ ऐसा लिखा हुआ एसेट्स में, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, या फिर कोई पी एंड एल का डेबिट बैलेंस लिखा हुआ। कई बार डेबिट बैलेंस लिखा नहीं आएगा लेकिन एसेट्स में दिखेगा, तो आपको खुद पहचानना है कि वो डेबिट बैलेंस है। ठीक है, ये भी पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो रिजर्व्स का ट्रीटमेंट, बेसिक ट्रीटमेंट क्या है, ये अगर होगा रिजर्व्स और प्रॉफिट्स तो उसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है पार्टनर्स में, अगर लॉसेस होंगे तो उसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है सीधा सीधा पार्टनर्स में। ठीक है, ये आपका एक बेसिक फंडामेंटल होता है कि रिजर्व को अगर ट्रीट करना है तो रिजर्व को किस तरीके से ट्रीट करा जाएगा अगर कोई भी पार्टनर रिटायर हो रहा है। तो आपके माइंड में बहुत सीधा सीधी सी बात रहनी चाहिए कि कभी भी कोई भी रिजर्व दिया है, कभी भी कोई भी प्रॉफिट दिया है, कभी भी कोई भी लॉस दिया है, पुराना बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है रिटायरमेंट के टाइम पे, तो आपको सिंपली सभी पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। यही ट्रीटमेंट होता है, यही ट्रीटमेंट आप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करते थे,
यही ट्रीटमेंट आप एडमिशन में करते थे, बिल्कुल सेम टू सेम ट्रीटमेंट आपको यहाँ करना है, ठीक है। उसके बाद कुछ स्पेशल केसेस होते हैं। स्पेशल केसेस किसके अंदर होते हैं, कौन से रिजर्व्स में होते हैं, आपको पता है। स्पेशल केसेस के लिए आपके पास दो ही रिजर्व्स हैं। सर कौन कौन से रिजर्व्स हैं? एक तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसमें क्या होता है, इसके अंदर वर्कर का क्लेम होता है अलग से, और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ऊपर नीचे हो जाती है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ भी सकती है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम भी हो सकती है, तो हम अकॉर्डिंगली इनको ट्रीट करते हैं। याद आया? फॉर एग्जाम्पल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे पास, सपोज कर लो कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे पास 50,000 रुपीज़ का है। अब हम क्लेम की बात करते हैं। क्लेम का केस बनता है पहला कि कोई क्लेम ही ना मांगे, दूसरा केस बनता है कि 10,000 रुपये का क्लेम आ जाए, तीसरा केस बनता है 50,000 रुपये का क्लेम आ जाए, चौथा केस बनता है 60,000 रुपये का क्लेम आ जाए। इस तरीके से चीज़ें दी होती हैं, राइट। अब सपोज हमारे पास तीन पार्टनर्स हैं, ए बी सी, उनका रेशो बराबर बराबर है, तो आप क्या करोगे इस केस में? हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अगर 50 का है और कोई भी क्लेम नहीं आया, यानी वर्कर ने कुछ भी नहीं मांगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज फॉर वर्कर्स, कोई क्लेम नहीं मांगा, तो सिंपली हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सारा का सारा, कि WCR डेबिट टू ए टू बी टू सी, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरा का पूरा 50,000 इनकी रेशो में, इक्वल इक्वल जो भी बैठेगा बांट देना। अब सपोज 50,000 में से 10,000 वर्कर ने क्लेम कर लिया, अगर 50 में से 10,000 क्लेम कर लिया तो हम क्या एंट्री करते हैं? WCR डेबिट 50,000 टू प्रोविजन फॉर क्लेम। क्लेम कितना मांग लिया? 10,000 का, बाकी 40,000 बच गया। 50 में से 10 का क्लेम हो गया, 40 बच गया, वो पार्टनर्स बांट लेंगे आपस में टू ए टू बी टू सी। ये कितना जो बचा हुआ है 50 में से 10 देने के बाद बचा हुआ 40, इनकी अपनी ओल्ड रेशियो में बराबर बराबर। सपोज क्लेम 50 का आ जाता है, रिजर्व भी 50 का सारा वर्कर ने ही ले लिया, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 50। तो पार्टनर के लिए तो कुछ भी नहीं बचा, पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलेगा, सारा का सारा वर्कर ले गए। ये मैंने पहले भी डिटेल में समझाए हुए हैं। और अगर क्लेम 60 हो जाए तो रिजर्व है मेरे पास, ये केस 4 की बात कर रहा हूँ, रिजर्व है मेरे पास 50 और पार्टनर कितना मांग रहा है, सॉरी वर्कर कितना मांग रहा है, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 60। तो अब 10,000 रुपीज कम रह गए, जो 10,000 रुपीज कम रह गए वो कौन देगा? उसके लिए हम एक दरवाजा खोलते हैं, दरवाजे का नाम क्या होता है? रीवैल्यूएशन। हमें ये एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है तो हम यहाँ पे रिवॉल्यूशन डेबिट कर देते हैं। अब ये 10,000 रुपये जो एक्स्ट्रा चाहिए ये पार्टनर्स घर से लेके आएंगे, घर से लेके आएंगे तो इनका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। तो अगली एंट्री क्या बनती है? ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू रिवॉल्यूएशन। 10,000 रुपये ये घर से लेके आएंगे अब अपनी पुरानी रेशो में, तो 3333 3334 बेसिकली इस तरीके से 10,000 रुपये ये पूरे करेंगे, ठीक है ना। तो जब आपके पास पैसा एक्स्ट्रा बच रहा था तो आप घर लेके जा रहे थे, जब ज़्यादा की ज़रूरत पड़ गई तो घर से लाना पड़ेगा। ये मैंने आपको WCR के केसेस पहले भी समझाए हुए हैं, होपफुली आपने पहले भी समझे हुए होंगे इनको डिटेल में। तो ये WCR का स्पेशल केस बन जाता है। ऐसा ही मेरे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का स्पेशल केस बनता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का स्पेशल केस आज ट्राई करना है। ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, दिस इज़ योर होमवर्क, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का स्पेशल केस आपको आज ट्राई करना है। कल की वीडियो में मैं आपको रिजर्व्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराता हूँ, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे आ सकते हैं रिटायरमेंट से, तो मैं आपको रिजर्व्स के सारे क्वेश्चंस उसके अंदर कवर करा देता हूँ। तो मैंने तीन वीडियोज में आपको तीन टॉपिक्स कवर करे हैं। कौन कौन से टॉपिक्स? रेशियोज के कवर कर दिए, देन गुडविल कवर कर दिया, देन रिजर्व्स कवर कर दिए। इसके बाद हमारे पास क्या बचता है? बस रिवैल्यूएशन बचता है और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बचता है। रिटायरमेंट हो जाएगा आपका खत्म, रिटायरमेंट खत्म होगा। डेथ में एक ही क्लास में कराऊंगा वन शॉट में, क्योंकि छोटा सा ही पार्ट है, मैक्सिमम CBSE ने डिलीट करा हुआ है। तो आपका रिटायरमेंट डेथ कंप्लीट, डिसोल्यूशन पे चलते हैं बस, फिर फटाफट से पार्टनरशिप आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, सारी चीज़ें प्रॉपरली पढ़ते चलो, चीज़ें फटाफट कंप्लीट होती चली जाएगी। तो दिस इज इट फॉर टुडे गाइस, होपफुली आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी, सारे स्क्रीनशॉट्स ले लिए होंगे आपने। स्टिल किसी और टॉपिक में कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो जस्ट लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन। और हाँ, BST को भी चिंता मत करना, वो भी मैं बहुत जल्द शुरू करने वाला हूँ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।